आप सब जो आज उपस्थित हैं, श्रद्धेय आदरणीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में, श्री नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति में आप भारी संख्या में उपस्थित हैं, मैं सब आप लोगों का अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं कि आप सब लोग यहां पर आदरणीय मोदी जी को देखने के लिए और उनकी बात को सुनने के लिए यहां उपस्थित हुए हैं। ये बड़ी खुशी की बात है और आप जानते ही हैं, हम तो उनका आज के उपस्थिति के लिए स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का। और आज महत्वपूर्ण दिन है, दरभंगा एम्स के निर्माण का शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किया जा रहा है और दरभंगा में एम्स के निर्माण से बिहार के लोगों को काफी अच्छी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होगी। और एक बार हम आपको बताना चाहते हैं कि 2003 में तत्कालीन आदरणीय प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल में पहली बार एम्स का पटना में उन्होंने निर्माण का निर्णय लिया था 2003 में। और आप जानते ही हैं कि बिहार में एम्स बन गया और काफी लोग देखने जाते हैं और काफी अच्छे ढंग से, बहुत अच्छे ढंग से बन गया है। और उसके बाद दूसरी बार भी जब हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का शासन था, इनका शुरू हुआ था, तो 2015 में ही यहां तय हो गया कि जैसे एक बना हुआ था, एक और बिहार में बनेगा। तो उसी समय जो थे, उस समय के तत्काल वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली जी और हम तो जा करके उनसे मिले थे और उनसे भी हमने कहा था कि भाई पटना में हो गया है, अब निश्चित रूप से यहां पर होना चाहिए। दूसरी जगह ये हमने उनको कहा था कि दरभंगा वाला एरिया जो है इसको होना चाहिए और हम सब लोगों को शुरू से कहते रहे कि भाई जो पहला मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल पटना का पहला था और दूसरा दरभंगा का है, इसलिए होना चाहिए, ये सब कहा। लेकिन सरकार ने ये निर्णय ले लिया कि यहां पर बनेगा, हम सब जगह लोगों से अनुरोध करते थे। और एक बार तो हम 2019 में तत्कालीन केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवहन कल्याण मंत्री आदरणीय जेपी नड्डा जी पटना आए थे, यहां पर बहुत लोग हैं जो सब लोग शामिल थे, तो पटना में जब आए थे वो, तो उस समय भी उनको हमने 2019 में कहा कि साहब आप जल्दी से आप इसको बनवाइए और अच्छा होगा कि यहां जो दरभंगा का हो तो दरभंगा में जो एम्स है तो मेडिकल कॉलेज को एम्स के रूप में उसी को स्वीकार कर लीजिए कहा। उन्होंने कहा कि नहीं ठीक है, लेकिन बाद में उसके स्वीकार में थोड़ा सा दिक्कत कई तरह से हो रहा था, तो अंत में ये हो गया कि भाई ठीक है तो यहां पर बनेगा। तो आप जानते ही हैं कि हम लोगों ने कहा कि भाई वहां नहीं बन रहा है तो कोई जगह पर बनना चाहिए, क्योंकि वहीं पर तो दरभंगा मेडिकल कॉलेज के पास तो ये बनना उचित नहीं होगा। लेकिन जब यहां के डीएम वगैरह ने देखा कि कौन सी जगह है, तो आज जो आप यहां पर आए हैं यही जगह डीएम ने चुना पिछली बार। आप पिछली बार हम आ करके वही जब बोले तो देखे, तो हमने कहा कि नहीं है, बहुत अच्छा है, इसके लिए आने का जो रास्ता है इसको और चौड़ीकरण किया जाएगा और ये बनेगा, इसका थोड़ा विस्तार करके और सब जगह इसको रास्ता के लिए किया जाएगा और ये बन जाएगा तो निश्चित रूप से दरभंगा का बहुत विस्तार होगा, जितना दूर दरभंगा है उसका और ज्यादा विस्तार हो जाएगा, ये जगह है। तो उसी समय अनुरोध किया गया और सीधे
सरकार ने इसी चीज को देखते हुए मान लिया कि यही होना चाहिए और इसी के लिए इसी स्थल पर जो था आ रहे हैं और अब आ करके इसकी शुरुआत हो जा रहा है। तो जितना सब जगह भी होगा तो हम लोगों ने तो ये भी कर दिया कि यहां पर बन रहा है। और एक बात आपको और कह देते हैं कि जो दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल है उसमें तो चूंकि संभव ये नहीं था, अलग इसका जगह होना चाहिए था, ये बनाया है और इसमें तो आपको बताया कि दरभंगा का विस्तार होगा और ये बहुत अच्छा होगा और पूरे जगह से सब जगह से लोगों को आने में यहां पर अपने इलाज के लिए बहुत सुविधा होगी। तो बहुत अच्छी जगह है और इसको आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसको स्वीकार किया है, आज आए हैं इसके उद्घाटन के लिए, तो ये बड़ी खुशी की बात है और इसके लिए मैं अभिनंदन करता हूं उनका कि इसको आपने स्वीकार कर लिया। और एक चीज आपको हम और बता देते हैं कि हम लोगों ने यहां पर बन रहा है इसको आपने स्वीकार कर लिया, ये बहुत अच्छा बनेगा और जो मेडिकल कॉलेज है दरभंगा का उसके बारे में हम लोगों ने तय कर दिया कि उसका और विस्तार कर देंगे और 2500 लोगों के इलाज का इंतजाम करेंगे और वो भी हम लोगों ने कर दिया। तो जो देश का हमारे बिहार का दूसरा था, पहला पटना और दूसरा वही बना, तो पटना वाले अस्पताल का भी विस्तार किया जा रहा है और इनका भी इस हॉस्पिटल का भी विस्तार किया जा रहा है और जब ये बंद करके चला जाएगा तो आप समझ लीजिए कि बहुत अच्छा लोगों को फायदा होगा और इसके लिए बड़ी खुशी की बात है। दरभंगा एम्स के लिए तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। तो हर तरह से जो आप समझ लीजिए कि जैसा हमने कहा कि भाई पहले हम बोले आई एम्स जो बन जाएगा यहां, इसके बाद साथ दीजिए कि दरभंगा शहर का और विस्तार होगा और इतना बढ़िया बनेगा, इतना अच्छा होगा कि सचमुच बहुत खुशी है। और इसीलिए हम लोगों को सबको ये खुशी है कि दरभंगा एम्स के निर्माण की स्वीकृति हो रही है और आज आदरणीय श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आज यहां पर पधारे हैं और ये शुरू कर रहे हैं और ये सारी बात बता देंगे तो आप समझ लीजिए कि हम लोग जो सोचते हैं उससे भी ज्यादा बढ़िया ये बनाएंगे। ये हमको मालूम है कि जब ये खुद आ गए हैं तो आप सब लोग हाथ उठाइए, अब पूरा उनका नमन करिए, हाथ उठाओ सब। तो इसीलिए बहुत खुशी की बात है कि वो आ गए हैं और इसका सब कुछ निर्माण करेंगे। तो हम लोग तो पूरे तौर पर इनका स्वागत करते हैं, इनका अभिनंदन करते हैं और मैं आपको एक बात कह देता हूं कि जो भी राज्य सरकार को सहयोग करना है हम सब लोग पूरे तौर पर सहयोग करेंगे और ये बहुत अच्छा बनेगा। इसलिए आज जो कुछ भी हो रहा बड़ी खुशी की बात है। इन्हीं शब्दों के साथ उनका मैं अभिनंदन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।